हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वियो फ्लिक्स और इस वीडियो में देखिए कि अब तक राजश्री रानी ने किन किन हिंदी टीवी सीरियल में काम किया है। राजश्री ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत 2012 से की थी। 2012 में कैमियो रोल में नजर आई कलर्स टीवी के शो मधुबाला एक इश्क एक जुनून में, जिसमें उन्होंने सलून वर्कर का किरदार निभाया था। फिर 2012 से 2013 तक नजर आई बिन बिटिया स्वर्ग अधूरा में, जिसमें उन्होंने पल्लवी का किरदार निभाया था। फिर 2013 में नजर आई एक किरण रोशनी की में, जिसमें उन्होंने रश्मि का किरदार निभाया था। 2013 में ही नजर आई सावधान इंडिया में, जिसमें उन्होंने नेहा रॉय का एक एपिसोडिक रोल प्ले किया था। फिर 2014 में नजर आई हॉन्टेड नाइट्स में, जिसमें उन्होंने गीतिका का एक एपिसोडिक रोल प्ले किया था। फिर 2014 में ही सोनी टीवी के शो CID में उन्होंने रुशिका का एक एपिसोडिक रोल प्ले किया था। फिर 2014 से 2017 तक लीड रोल किया स्टार प्लस के शो सुहानी सी एक लड़की में, जिसमें उन्होंने सुहानी का किरदार निभाया था। फिर 2018 में नजर आई 51 में, जिसमें उन्होंने सारथी मिश्रा का किरदार निभाया था। फिर 2019 में स्टार प्लस के शो ये जादू है झिनका में उन्होंने हुमा अली का किरदार निभाया था। फिर 2020 से 2021 तक कलर्स टीवी के शो नमक इश्क का में उन्होंने रूपा वर्मा का किरदार निभाया था। फिर 2021 में नजर आई दंगल टीवी के शो सिंदूर की कीमत में, जिसमें उन्होंने विद्या का किरदार निभाया था। फिर 2021 से नजर आ रही है स्टार प्लस के शो इमली में, जिसमें उन्होंने अर्पिता का किरदार निभा रही है। तो ये थे अब तक के राजश्री रानी के हिंदी टीवी सीरियल्स। इनमें से कौन सा आया था आपको सबसे ज़्यादा पसंद, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी और भी ऐसे ही नए वीडियोस के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ।